हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और अपने जो आपकी बॉडी को ठंडक भी देता है. सो इट हैज टू बी मेड इट पक्का के जो अंदर का जो रैप हम लोग यूज करेंगे इट हैज टू बी कॉटन. कॉटन के अलावा और कुछ नहीं है हमारे. इसको लगाने का होता है, इसको आपने गर्म ठंडे पानी में जैसे अगर इसको यू हैव टू ये इस तरीके से इसको रैप किया ठीक है यहाँ पे इसको एंड देन इट हैज टू बी टाइट लाइक दिस कि इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए. अगर हवा जाती है तो हमारा होल पर्पज जो हमारा सोल पर्पज है इस थेरेपी को देने का वो खराब हो जाएगा. क्यों? ठंडा ये हवा लगेगी तो जो जिस प्रॉब्लम के लिए हम लोग हील कर रहे हैं वो प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ जाएगी. सो इट हैज टू बी अच्छे से बेसिकली इसको हम लोग ऐसे करके अच्छे से इसको रैप कर देते हैं यहाँ पे इट कम्स लाइक दिस सो दैट हमारा जो पूरा जो ये एरिया है चेस्ट का जो एरिया है ये पूरा कवर हो जाए राइट ठीक है. उसके बाद आफ्टर दैट जो ये प्रोसेस है इट्स द मेन थिंग जो इसके बाद जो इफेक्ट आएगा जैसे हमने इसके ऊपर भी हैव टू रैप कर ठीक है. और देखिए इसका जो बराबर है जितना चौड़ा ये है उतना ही चौड़ा ये है. सो इट गोज लाइक दिस इट हैज टू बी रैप प्रॉपर पूरी तरीके से ये रैप होना चाहिए. लगाने के बाद पूरा ये करने के बाद इट हैज टू बी इसको करने के बाद मेक इट लाइक दिस कि हाँ ये पूरा बॉडी के ऊपर ये रेस्ट कर ठीक है. कर दो कर दो पूरा कर दो. ये हो गई एक ठीक है. इसके बाद हॉट फूड बाद जो मेन आता है उसमें क्या करना है